आजाद भारत की राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो वैचारिक अवदान दिया उसे एकात्म मानव दर्शन के नाम से जाना जाता है। पंडित दीनदयाल का मानना था कि मानवता के सामने हमेशा एक सवाल रहा, वो ये कि पश्चिम की विचारधाराओं में जब वे व्यक्ति के लिए नीतियां और कानून बनाते हैं तो समाज की उपेक्षा हो जाती है और समाज का दीर्घकालिक नुकसान करके व्यक्तियों के हित में कानून बनते हैं। जब इसके खिलाफ समाज आवाज उठाता है तब व्यक्ति को छोड़कर समाज के लिए व्यवस्था करते हैं, जिसके बाद व्यक्ति के व्यक्तित्व की उपेक्षा हो जाती है। समाज का नियंत्रण इस प्रकार से होता है कि व्यक्ति अपनी अस्मिता के लिए तिल मिला उठता है। ऐसी स्थिति में हम व्यक्तिवादी हों कि समाजवादी, इस बहस में हस्तक्षेप करते हुए दीनदयाल जी ने कहा, मानव न तो केवल व्यक्ति है और मानव न ही केवल समाज है। वास्तव में तो मानव व्यक्ति और समाज की एकात्मता का नाम है। इसलिए नीतियां न तो व्यक्ति प्रधान होनी चाहिए न समाज प्रधान होनी चाहिए, वरन व्यक्ति और समाज जहां एकात्म हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए, वहां हमको अपनी नीतियों को बनाना चाहिए। न राज्यम न राजसीत न दंड्यो न च दांडिकः धर्मिणैव प्रजा सर्वाः रक्षन्ति स्म परस्परम्। महाभारत में वर्णन है कि कृत युग में न राज्य था न राजा था, न दंड था न दंड देने वाला। सब प्रजा एक दूसरे के आधार पर रक्षा करती थी। पंडित दीनदयाल का मानना था कि राज्य और राष्ट्र वास्तव में एक नहीं है। राज्य का निर्माण हमारे यहां समाज के लिए हुआ है। समाज एक व्यापक इकाई है, वो अपनी संस्कृति के आधार पर राष्ट्र का निर्माण करता है। पश्चिम में जो गड़बड़ हुई उसका कारण यह था कि उन्होंने राज्य और राष्ट्र को एक वस्तु समझा। पंडित दीनदयाल के बेहद ही करीब रहे नानाजी देशमुख ने दीनदयाल शोध संस्थान की 70 के दशक में स्थापना की। संस्थान ने एकात्म मानव पर आधारित अनुसंधान और प्रकल्प तैयार किए। नानाजी का ऐसा मत था कि हम दूसरों के लिए रिसर्च नहीं करेंगे, हम वही रिसर्च करेंगे जिसको हम स्वयं एग्जीक्यूट करेंगे। और यह काम उन्होंने गोंडा, बीड़, सिंहभूम और अंततः चित्रकूट में किया। एकेडमिक कामों के मेरे आग्रह पर उन्होंने कहा कि तुमको यदि अकादमिक काम करना है तो मेरे पास अकादमिक काम एक ही है, वो है मंथन, वह भी तुम ले जाओ और अपना काम नए सिरे से शुरू करो। तब उन्हीं के आशीर्वाद से एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान की स्थापना हुई, जिसका लक्ष्य था कि इस विचार के लिए कुछ एकेडमिक काम किए जाए, कुछ लेखकीय काम किए जाए। डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा ने पंडित दीनदयाल की अनेक बातों को जन जन तक पहुंचाया और 25 जनवरी 2000 को एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान का गठन किया। पंडित दीनदयाल और एकात्म मानववाद से आज लाखों लोग परिचित होंगे। उनसे जुड़ी बातों को प्रतिष्ठान युवाओं तक पहुंचाने का काम भी करता है। महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में और कई तरह के फ्रंट्स पर जाकर हम देश के युवा वर्गों को समाज के साथ, समाज के संवेदनशील मुद्दों के साथ जोड़ना चाहते हैं। और इसमें दीनदयाल जी का ने जो मार्ग दिखाया है एकात्म मानव दर्शन का, उसको साथ लेते हुए हम युवाओं को समाज जीवन के लिए तैयार करना चाहते हैं। आज का युवा एक सही दिशा की तलाश में भटक रहा है, उसको समाज की बहुत सारी विकृतियां नजर आ रही, और ये समाज की जो विकृतियां हैं ये आर्थिक कारणों से ज्यादा उत्पन्न हुई हैं। दीनदयाल जी ने अब से 50 वर्ष पूर्व कहीं ना कहीं उनको इसका आभास हुआ था कि इस तरीके का जो समाज चल रहा था, उन दिनों भी चल रहा था,
जो शिक्षा पद्धति हम लोगों ने अडॉप्ट की थी अंग्रेजों के समय से, उसके कारण से समाज में जो विकृतियां उत्पन्न हुई थी, उनका आभास हो गया था कि वो आगे जाकर बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाई होने वाली है। प्रतिष्ठान के गठन के बाद से तीन तरह की गतिविधियों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। सबसे पहले मंथन का नियमित रूप से प्रकाशन, जिसमें पंडित दीनदयाल की विचार यात्रा और भारतीयकरण की दिशा में हो रहे प्रयासों को लिखा गया। दूसरा, एकात्म मानव दर्शन से जुड़े जो सिद्धांत हैं, उन पर परिसंवाद और दीनदयाल स्मृति व्याख्यान जैसे कार्यक्रम सन 2000 से हर वर्ष आयोजित किए गए। और तीसरा, लोकतंत्र का विकास किस प्रकार किया जाए, इसकी विविध संगोष्ठियां, अभ्यास वर्ग और साहित्य का प्रणयन, यह प्रतिष्ठान के माध्यम से हुआ। लोकमत परिष्कार की जो अवधारणा दीनदयाल जी ने दी, उसके आधार पर प्रतिष्ठान ने राजस्थान में विशेष कार्यक्रम किए। सिद्धांतहीन मतदान सिद्धांतहीन राजनीति का जनक, और इसलिए मतदाता को सिद्धांतवादी बनाना, इसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है लोकमत परिष्कार। इस लोकमत परिष्कार के लिए प्रतिष्ठान ने अनेक कार्यक्रम किए हैं, पर इसका केंद्र सामान्यतः राजस्थान रहा है, जिसमें अनेक कार्यकर्ताओं के अभ्यास वर्ग, अनेक संगोष्ठियां, अनेक सामाजिक कार्यक्रम हुए। और लोकमत परिष्कार यह एक ऐसा आयाम है जिस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। 1994 में यानी इस सिद्धांत के प्रतिपादन के 30 वर्ष बाद यूएनडीपी की ओस्लो सिंपोजियम में एक बात कही गई, मोर एंड बेटर विद लेस, यानी हम ज्यादा हासिल कर सकें, हम बेहतर चीजें प्राप्त कर सकें, लेकिन हमारे संसाधनों का कम से कम इस्तेमाल हो। तो ये कैसे हो सकता था? इसका सिद्धांत जो था, इसका जो आधार, इसके लिए जो हमको राह दिखाई थी, वो एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से दीनदयाल जी ने दिखाई थी। सन 1986 में डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा ने अपनी पीएचडी थीसिस पंडित दीनदयाल के विचार एवं कर्तृत्व पर लिखी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अखंड भारत पर भी उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं। विविध यामी साहित्य रचा गया, जिसमें विभाजन अस्वीकार, अखंड भारत, दीनदयाल उपाध्याय का आर्थिक चिंतन, बंटवारा नहीं और संसद में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मुख्य रूप से शामिल हैं। प्रतिष्ठान ने अनेक ऐसे रचनात्मक लोगों को अपने साथ जोड़ा हुआ है जो प्रत्यक्ष राजनीति नहीं करते, पर समाज में जीव दया का, पर्यावरण का, लोक जागरण का, लोगों के अधिकारों के संरक्षण का काम करते हैं। ऐसे लोगों के साथ संवाद प्रतिष्ठान का हुआ है। प्रतिष्ठान को देश के कई आध्यात्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। साधारण सभा सदस्यों में भी देश में वैचारिक, सामाजिक और अकादमिक रूप से सक्षम लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई। अभी के दौर में ऐसे लोगों की कमी हो गई जिन्होंने दीनदयाल जी के साथ काम किया था, और आने वाली पीढ़ी को दीनदयाल जी ने क्या कहा, क्या किया और उनके क्या संकेत थे, इसको समझने के लिए जो मटेरियल चाहिए, और आने वाली पीढ़ी जानना चाहती है कि दीनदयाल जी के क्या विचार थे और उन्होंने किस दिशा में क्या काम किया, तो उसके लिए दीनदयाल जी का संपूर्ण मटेरियल एकीकृत करके, एक साथ उसको इकट्ठा करके, संग्रहित करके छापने की योजना ली है, ताकि आने वाली पीढ़ी उस मटेरियल को देखकर और समझ सके और उसका अध्ययन कर सके। महिलाओं को भी हम अलग थलग नहीं रख सकते, और अगर यदि देश को आगे बढ़ाना है और देश को सही दिशा में आगे बढ़ाना है तो युवा को भी साथ लेना पड़ेगा। तो दीनदयाल जी ने अपनी जो एकात्म मानव दर्शन दिया है, अपने विचार जो व्यक्त किए हैं, उसमें सभी को शामिल कर दिया है, युवाओं को, महिलाओं को, यहाँ तक कि समाज के जो अंतिम तबके में बैठा हुआ आदमी है, इंसान है, उसको भी क्या क्या मिलना चाहिए,
ये बात भी हमारे पंडित जी की जो विचारधारा है उसमें से बहुत ही अच्छी तरह से प्रदर्शित होती है। दीनदयाल जी का हमेशा आग्रह रहा है कि हमको अपनी व्यवस्थाओं का भारतीयकरण करना चाहिए। भारतीयकरण करने का मतलब यह नहीं है कि विदेशी को नकार देना है। उनका एक वाक्य है, स्वदेशी को युगानुकूल व विदेशी को स्वदेशानुकूल करके अपनाओ। कोई चीज स्वदेशी होने मात्र से ग्राह्य नहीं हो जाती, उसको युग के अनुकूल भी होना चाहिए, और कोई चीज विदेशी होने के मात्र से अग्राह्य नहीं हो जाती, उसको हर देश के अनुकूल होना चाहिए। और इसलिए एक निरंतर सतत अनुसंधान की आवश्यकता रहती है कि युग की आवश्यकताओं के अनुकूल जो शाश्वत मूल्य हमको विचार ने दिए हैं, उन शाश्वत मूल्यों को किस प्रकार से व्यवहार दिया जाए। भारतीय दर्शन के वैदिक काल से लेकर, और मैं समझता हूँ कि ईसा पूर्व के जितने भी ग्रंथ हैं उनका निचोड़ हमारे दार्शनिकों ने और लिखा है। भगवत गीता के बारे में कई बार प्रश्न उठता है कि जब पुराणों में, उपनिषद में और वेदों में ये सारा ज्ञान उपलब्ध था तो भगवत गीता लिखने की ज़रूरत क्या थी। स्वामी राम ने ये कहा कि भगवत गीता उस समय समसामयिक जो भाषा बोली जाती थी वो लोगों के द्वारा समझने योग्य बन गई थी, लेकिन वैदिक और उपनिषदिक जो ऋचाएँ थीं वो लोगों की समझ से बाहर थी। ठीक उसी तरह से पंडित दीनदयाल जी ने जो व्याख्याएं की हैं हो सकता है कि आज की पीढ़ी के लिए क्लिष्ट हो, और उन क्लिष्ट भाषा से बाहर निकलकर एक सरल भाषा में ये सारे कॉन्सेप्ट्स, सिद्धांत और जो भी सोच है उसको हम युवा पीढ़ी तक पहुंचा सकें, तो मैं समझता हूं कि दीनदयाल जी के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसको तो हम व्यक्त कर ही पाएंगे, लेकिन आने वाले भारत को एक नई दिशा दे पाएंगे। इस नई दिशा और आशा के साथ पंडित दीनदयाल की बातों को प्रतिष्ठान समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में जुट गया है। अखंड मंडलाकार समाज रचना, जिसे महात्मा गांधी ने सामुद्रिक वर्तुलाकार समाज भी कहा, दीनदयाल जी ने ऐसे समाज की संरचना में अपना जीवन लगा दिया जिसमें बताया गया है कि व्यक्ति और समाज में एकात्म है मानवता। पाश्चात्य संदर्भों ने जहां व्यक्ति और समाज की पृथकता या अलगाव पर जोर दिया, वहीं दीनदयाल जी ने व्यक्ति और समाज की एकात्मता पर जोर दिया। वे तो मानते थे कि व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्ठी, इन चारों की एकात्मता का नाम ही मानवता है। आज प्रकृति विजय अहंकार ने पर्यावरण क्षत विक्षत कर दिया है, भौतिक आग्रहों ने आध्यात्म को उपेक्षित कर दिया है। आओ, एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के साथ मानव की इस चतुर्विध एकात्मता का साक्षात्कार करें, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की साधना करें।